श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से संबंधित नई ताज़ी जानकारी, ताज़ी अपडेट, आज के ताज़े नज़ारे इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, स्वागत है आप सभी का विसंदा ब्लॉग्स पर। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर मौसम किस तरह का बना हुआ है देख सकते हैं। आज के अभी के ताज़े नज़ारे हैं, मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप खिली हुई है माता रानी के भवन पर। हेलीकॉप्टर की सेवाएं पूर्ण रूप से यात्रियों को मिल पा रही हैं। जो भी यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, यात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा और दिनों के मुकाबले ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी माता रानी के भवन पर। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम दर्शनों के लिए नहीं आ रही है। बात करें कोविड गाइडलाइन की, तो कोविड गाइडलाइन में कोई भी बदलाव अभी नहीं किया गया है श्री माता वैष्णो देवी की यात्रियों के लिए। जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हैं और सर्टिफिकेट साथ में है, उनको कोविड टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जिन लोगों ने सिंगल डोज लगाई है या फिर कोविड वैक्सीन नहीं लगाई है, वो लोग भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उनको कोविड टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ रही है। 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है अगर उन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई हैं तो। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, पिछले काफ़ी दिनों से लगातार वीडियो नहीं आ पा रही हैं, कुछ व्यस्तता के कारण और बहुत सारे काम भी होते हैं अपने भी, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियोज आजकल लगातार नहीं आ पा रही हैं। बीच में रोप वे भी बंद था 2-3 दिन के लिए, अपडेट नहीं दे पाया। आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा जो लोग विसंदा ब्लॉग्स पर वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं। और अब रोप वे की सेवाएं पूर्ण रूप से मिल पा रही हैं बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है यात्रियों को। यात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं। जब भी यात्रा कम होती है तो दर्शन बहुत अच्छे से हो पाते हैं माता रानी के भवन पर। अर्धकुंवारी में दर्शनों की बात करें तो अभी भी अर्धकुंवारी में माता रानी की जो गुफा है, गर्भजून गुफा से दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाहर से ही आजकल गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जा रहे हैं। जहां पर एग्जिट होते थे वहां से ही दर्शन करवाकर यात्रियों को भेज दिया जा रहा है। बाकी यात्रा ट्रैक पर मिलने वाली अन्य सेवाएं जैसे घोड़ा पिट्ठू, बैटरी कार, रोप वे, कंबल स्टोर, भोजनालय, सारी चीज़ें पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से मिल पा रही हैं। यात्री कम होने की वजह से लाइन में भी कहीं पर आजकल नहीं लगना पड़ रहा है, दर्शन करने में भी बहुत कम समय लग रहा है। तो दोस्तों अब समय है आपको घर बैठे बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पिंडियों के दर्शन करवाने का। माता रानी आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सब लोगों के घर परिवारों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। माता रानी के पवित्र दर्शनों के बाद अब आपको सीधा लिए चलते हैं भैरव बाबा में, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शनों के बाद ही आपकी एक छोटी सी यात्रा कंप्लीट होती है। तो शाम के समय 4-5 बजे के आसपास के नज़ारे हैं माता रानी के भवन पर भैरव बाबा में। थोड़ी सी भीड़ देखने को आज मिल रही है, देख सकते हैं आप, साथ में कीजिए दर्शन भैरव बाबा के। आगामी समय में अगर आपकी यात्रा होने वाली है तो गर्म कपड़े लेकर आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माता रानी के भवन पर अभी भी ठंड काफ़ी है। अगर आपकी यात्रा शाम के समय में रात को हो रही है तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आइएगा। दिन में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, लेकिन माता रानी के भवन पर अगर हल्के से भी बादल हों तो काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आइएगा। साथ ही साथ अब आप कीजिए बाबा जी की विभूति के दर्शन। मिलेंगे फिर एक और नई ताज़ी अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता जी। पहाड़ा वाले।